जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लिमरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं करीम दाऊद लिमरा टाइम्स से। आज हम बात करेंगे उमर खालिद। उमर खालिद का नाम काफ़ी चर्चे में है पिछले 10 दिन से, क्योंकि जब से उन पर एक कलम चलाया गया, उनको अरेस्ट किया गया, उन पर UAPA का एक कानून के तहत उनको अरेस्ट किया गया। इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। 14 तारीख को उमर खालिद को अरेस्ट किया गया और UAPA के कानून के तहत उनको अरेस्ट किया गया। इससे पहले उनके ऊपर सेडिशन का केस भी था। जब ये JNU के फॉर्मर स्टूडेंट हैं और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको अरेस्ट किया है और दिल्ली राइट्स में कहीं ना कहीं ये पब्लिक को उकसाने की बात की है, इसके वजह से इनको अरेस्ट किया गया। ये सिटीजनशिप बिल में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इन्होंने महाराष्ट्र अमरावती में एक प्रोटेस्ट में इन्होंने भाषण दिया था। उस भाषण को कट पेस्ट करके ये दिल्ली पुलिस से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये जो UAPA कानून है, ये कानून कैसे चलता है और ये कानून क्यों बनाया गया है, इसकी पूरी वजह जानते हैं। साथ में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। ताहिर हुसैन के कन्फेशन में उमर खालिद का नाम लिया गया और ताहिर हुसैन के चार्जशीट में उमर खालिद का नाम मेंशन किया गया। उमर खालिद का दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि उमर खालिद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप, ऐसा बोल के एक ग्रुप के मेंबर थे, एक सदस्य थे, उसके वजह से इनको अरेस्ट किया गया। उसको भी एक तथ्य के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया। 17 फरवरी को अमरावती महाराष्ट्र में ये स्पीच चला था और स्पीच में आगे के 10 मिनट और पीछे के 10 मिनट काट कर जो बीच का हिस्सा है उसको ट्विटर में ट्वीट किया गया और ट्वीट वायरल होने के बाद में इनको अरेस्ट किया गया। जैसे कि अगर भड़काऊ भाषण की बात किया जाए तो बहुत सारी चीज़ हमको याद आते हैं। अगर हिंदुत्वा फोर्स की बात की जाए, BJP के सदस्य की बात की जाए, तो कपिल मिश्रा जो DCP के पुलिस कमिश्नर के साथ में रहकर इन्होंने ये भाषण दिया था 23 फरवरी को, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद परवेज वर्मा 28 जनवरी को इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुराग ठाकुर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 27 जनवरी को, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली राइट्स में 250 पेज का चार्जशीट बना था, उसमें 1375 लोग अरेस्ट हुए थे, 570 लोग 571 हिंदू थे, 582 मुस्लिम थे। ये दोनों तरफ के पक्ष को अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस के राइट्स में। और उसके बाद में 53 लोग की डेथ हो गई थी और 581 इंजर्ड थे, 581 लोग इंजर्ड हुए थे और 108 पुलिस कर्मी जो है वो इंजर्ड हुए थे और 2 पुलिस कर्मी की डेथ हो गई थी। 8 जनवरी को एक सीक्रेट मीटिंग था जिसमें उमर खालिद भी पार्टिसिपेट किए थे, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। 8 जनवरी को एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जहां पे उमर खालिद भी पार्टिसिपेंट के हिसाब से वो गए थे और उन्होंने ट्रंप के सामने प्रोग्राम ये प्लान किया था कि ट्रंप के सामने हम प्रोटेस्ट करेंगे, जैसा मतलब ट्रंप आने वाले थे हिंदुस्तान में तभी हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसी बात की गई थी। इसके वजह से दिल्ली पुलिस ने शक के बुनियाद में इनको अरेस्ट किया और उनको UAPA के कानून के तहत इनको अरेस्ट किया है। 2018 में उमर के ऊपर हमला किया गया, उन पे गोली चलाई गई। 2016 जनवरी में एक इंसिडेंट भी हुआ था उनके साथ में उन पे हमला हुआ था। ये पूरा स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये पूरा स्टार्ट अमित मालवा, इन्होंने ट्वीट किया था, जो एडिटेड वीडियो है, वीडियो को एडिट करके इन्होंने ट्वीट किया था। और कहीं ना कहीं उमर खालिद को पहले से टारगेट किया जा रहा था। उमर खालिद की माँ को ये अच्छी तरह पता था कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उमर खालिद को फंसाने की। तो उनकी माँ ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, जब वो घर से बाहर निकले थे तभी उनकी माँ ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे डाउट है कि कहीं ना कहीं उमर खालिद को पुलिस अरेस्ट करने वाली है। उसके वजह से उनकी माँ ने अपनी सभी बहनों से बात करने की बात की थी और उमर खालिद ने सभी बहनों को कॉल पे बात किया था और दो जो घर के जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर ली थी। और उमर खालिद को ये भी पता था कि कहीं ना कहीं प्लान हो रहा है, क्योंकि ट्विटर में ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है कि गवर्नमेंट ने भी प्लान कर चुके हैं कि इसको अरेस्ट करना। और जो अमित मालिया की बात कर रहा हूँ वो BJP का IT सेल का आदमी है, IT सेल का हेड है, जो ये ट्वीट करने की कोशिश कर रहा था और ट्वीट किया और सक्सेसफुली ट्वीट भी हुआ। और उमर खालिद को इसका इम्पैक्ट पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको फंसाने की कोशिश कर रही है। अभी हम उमर खालिद की जुबानी सुनते हैं कि UAPA एक्ट होता क्या है और ये पूरी जानकारी लेते हैं। ड्रैगोनियन क्यों है? उसका एक सिंपल सा कानून का जो अंडर IPC एक बात बोली जाती है नेचुरल जस्टिस में कि जब तक आप दोषी करार नहीं दिए गए आप निर्दोष हैं, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। UAPA इस चीज को पूरा रिवर्स कर देता है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो एक इंसान अगर किसी पे UAPA लग गया
तो उसको पूरी स्टेट मशीनरी के सामने स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके खिलाफ क्या सबूत लेकर आए, बल्कि उस इंसान को अपने फेवर में, जो इंसान पहले से जेल में है, उस इंसान को अपने फेवर में सबूत लेकर आना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि मैं भैया निर्दोष हूं। 6 महीने तक, 180 दिन तक आप जेल के अंदर बंद हो सकते हैं विदाउट अ चार्जशीट अगेंस्ट यू, मतलब आपके खिलाफ क्या चार्ज है ये आपको 180 दिन तक पता भी नहीं होगा और सरकार को, पुलिस को कोर्ट के सामने भी पेश नहीं करना पड़ेगा। दैट इज अनदर ड्रैकोनियन प्रोविजन। नाउ अ वेरी सिंपल टेस्ट ऑफ वेदर दिस लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड और नॉट, जब टाडा था तो टाडा का 1% कन्विक्शन रेट था, मतलब अगर 100 लोग गिरफ्तार हुए तो 99 लोग इनोसेंट इवेंचुअली पाए गए कोर्ट द्वारा। पोटा के अंदर ये जो कन्विक्शन रेट है वो और कम था। यूएपीए के अंदर एक स्टडी के अनुसार 2014 और 2016 के बीच में से हर चौथे केस में 3 लोग इनोसेंट पाए गए। तो अगर आप इतने सारे लोग इनोसेंट इवेंचुअली साबित हो रहे हैं तो उससे यही दिखता है कि ये कानून जो है वो किसी को कन्विक्ट करने के लिए, किसी एक्चुअल दोषी को जेल में डाल के उसको दोष साबित करके अदालत के थ्रू उसको सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जिनकी आवाज सरकार को पसंद नहीं है। और इस कानून के अनुसार उन लोगों की आवाजों को कई कई सालों तक बिना बेल के आप जेल के अंदर बंद कर सकते हैं। इवेंचुअली वो लोग निर्दोष साबित हो जाएंगे, बट बाय देन द पर्पस ऑफ द स्टेट वुड बी सॉल्वड। जैसे कि हमने सुना उमर खालिद के जुबानी, हमने यूएपीए कानून के बारे में सुना, मतलब वो क्लियरली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई अरेस्ट हो जाता है तो उसको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जहाँ पे गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में रहती है और गवर्नमेंट ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसको अरेस्ट किया जाएगा यूएपीए कानून के तहत। यूएपीए कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं करीम लिमरा टाइम से, ऐसी हम बात करेंगे जो देश के हित में हो, जहाँ पे किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह डॉक्टर कफील पे एनएसए एक्ट लगा था। आपको पता होगा कि 10-15 दिन पहले वो रिहा हुए थे, उनको क्लीन चिट मिला था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट की मनमानी है कि वो जिसको चाहे उसको, जो जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगा उसको अरेस्ट कर देती है। डॉक्टर कफील को काफ़ी परेशान किया गया, उसके बाद में एनएसए एक्ट उनको निकाला गया। तो अगर डॉक्टर कफील शायद से अगर बाहर होते तो बहुत सारे मदद हो सकते थे कोरोना पेंडेमिक के दौरान। उनको काफ़ी तजुर्बा है और काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं वो, और उनको काफ़ी परेशान किया गया। और डॉक्टर कफील ने तो ये भी कबूल किया था कि मुझे गोली मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे इनकाउंटर में मारने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे संजीव भट्ट के बारे में, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। मैं करीम लिमरा टाइम से, शुक्रिया।